पहली बात तो आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 ये जो था वो बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल था स्पेशल स्टेटस देने के लिए जम्मू एंड कश्मीर को और वहाँ का परमानेंट रेजिडेंस डिस्क्राइब करने के लिए 35 ए सो दैट कि वहाँ का जो रिसोर्सेज है उस पर कश्मीरी लोगों का राइट हो। आज तक भारत हमेशा कहता रहा तमाम यूनाइटेड नेशंस में और इंटरनेशनल तमाम फोरम में कि कश्मीर में हम लोग बड़ा लोकतांत्रिक तरीके से काम लेते हैं, वहाँ चुनाव होते हैं, वहाँ चुनी हुई असेंबली है और वहाँ पर हमारा एक संवैधानिक ढांचा है जिसके तहत कश्मीर जो है वो जुड़ा हुआ है भारत से। आज उस संवैधानिक दर्जे को तो आपने खत्म कर दिया, इसको अब्रोगेशन का प्रोसेस दिया हुआ है, विद इन द आर्टिकल इटसेल्फ दिया हुआ है कि दिस पर्टिकुलर आर्टिकल कैन बी अब्रोगेटेड, लेकिन उसके लिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर या नोटिफिकेशन इशू होगा प्रेसिडेंट की तरफ से विद द कंसेंट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के कंसेंट के बिना एडवाइस एंड कंसेंट के ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नहीं इशू हो सकता है टू अब्रोगेट आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35 ए। आई डोंट थिंक द पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू अब्रोगेट 370 विदाउट द कंसेंट ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर एंड आई एम गेसिंग दैट द गवर्नमेंट इज क्लेमिंग दैट द गवर्नर हैज द अथॉरिटी इन द एब्सेंस ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट टू रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ कश्मीर फॉर दिस पर्पस और समथिंग लाइक दैट। दैट डजंट मेक एनी सेंस टू मी। आई एम नॉट अ लॉयर बट फ्रॉम अ कॉमन सेंस पॉइंट ऑफ व्यू it sounds like just a kind of loophole that is being exploited. But more importantly, I think this is the culmination of a long history of illegal action on the part of the Indian government in Kashmir, whether it's the imprisonment of Sheikh Abdullah, toppling governments, rigging elections, and of course a huge amount of torture, human rights violation, turning the state into a concentration camp. And it's very sad that instead of seeing the counterproductive and unjust nature of this approach, the government is actually going further in the direction of repression. मैं जम्मू से आती हूँ तो मेरे कुछ दोस्त कश्मीर में हैं और मैं अब जब अपने डीयू में बात करती हूँ, इवन डीयू की बात करें हम तो वहाँ पे भी बच्चों ने जो कश्मीर से आ रहे बच्चे हैं उनको जब हम कॉल करते हैं और पूछते हैं कि तुम कुछ हुआ तो नहीं, तो वो बोलते हैं कि फिलहाल कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो दिल्ली में बच्चे हैं वो इतने डरे हुए हैं, उनको पता नहीं उनके घर पे क्या हो रहा है, टिकट्स नहीं मिल रही है घर जाने के लिए वापस। लो केला भी खाओ, केले भी खाओ। कालू जी इधर आप देश को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं और आप देश की एकता की बात कर रहे हैं, आप बगैर जनता की राय के किसी प्रदेश को भंग कर रहे हैं, उनके अधिकार को छीन रहे हैं और आप कह रहे हैं इससे देश की एकता बनेगी। देश की एकता जोर जुल्म से कभी नहीं बन सकती है। देश की एकता 40,000 ट्रूप देकर तमाम लोगों को गिरफ्तार कर नहीं बन सकती है। ये शर्म होना चाहिए, इन्होंने अपने बहुमत को पार्लियामेंट में ज़बरदस्ती इस्तेमाल करके ये किया है। देश की जनता इसको क्षमा नहीं करेंगे। Thank you.